बोलो अब्बा अब्बा। कसम से ये ऐसी फीलिंग थी जो मैं नहीं बयां कर सकता। आई थिंक ऐसा फील आई थिंक मुझे लाइफ में कभी हुआ होगा जब कुमार ने मुझे अब्बा बोला। खुद से मोहब्बत हो गई मुझे। सेल्फ लव, सेल्फ लव रुहाना। अब्बा कसम से ये ऐसी फीलिंग थी जो मैं नहीं बयां कर सकता। आई थिंक ऐसा फील आई थिंक मुझे लाइफ में कभी हुआ होगा जब रुहान ने मुझे अब्बा बोला। और आज इसने मेरे को अब्बा बोला प्रॉपर। जैसे ही रुहान ने शुएब को अब्बा कहा तो शुएब को बहुत अच्छा लगा। शुएब का कहना है कि ये दिन मेरे लिए बहुत खास है और मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई कि आज मेरे बेटे रुहान ने मुझे अब्बा कहा। जब बच्चे बोलना सीखते हैं तो ज्यादातर बच्चे की जबान पर माँ का नाम आता है, अम्मा या माँ, उसके बाद आता है अब्बा का नाम। तो आपने देखा कि रुहान की जबान पर आया अब्बा का नाम और जैसे ही माशाल्लाह रुहान ने कहा अब्बा तो बहुत क्यूट लग रहे थे। अब माशाल्लाह रुहान धीरे धीरे बोलना सीख रहे हैं। काफी ऐसे लोग हैं जो कमेंट करते हैं कि रुहान बैठना नहीं सीख रहे हैं, एक साल का होने वाला है और अपने हिसाब से नहीं बैठ पाता, जैसे बच्चे इस उम्र में खुद से बैठ जाते हैं। रुहान के बारे में आप सभी को मालूम होगा कि NICU में रहा था तो जिसकी वजह से वो काफी वीक है। हाँ, देखने में गोलू मोलू लगता है लेकिन अभी भी रुहान का ट्रीटमेंट चल रहा है तो रुहान देरी में बैठना सीखेगा। काफी बच्चों को देखा गया है कि कुछ बच्चे देर से बैठना सीखते हैं और देर से ही वो चलना सीखते हैं और देर से ही बोलना शुरू करते हैं, तो वही सब रुहान के साथ है। और न जाने कितने लोगों ने तो कमेंट करके इतना बुरा भला कहा रुहान को कि रुहान अब नॉर्मल है और दीपिका शेप का बच्चा नहीं है, जाने ऐसे ऐसे कमेंट किए गए कि सुनकर और देखकर। और आपको कैसे लगे रुहान अब्बा कहते हुए शेप को तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएगा। अब आपसे जाते हुए तो पसंद आए, लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।